बाय बाय जोधपुर। हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल यात्री सुशील। और दोस्तों यहां से जयपुर है 307 मेड़ता 98 बिलाड़ा 50। अभी अचानक क्या हुआ, हमारा प्लान था जोधपुर से निकल के और राजसमंद, माउंट आबू, उदयपुर वगैरह ये सारा एक एरिया कवर करने का था, लेकिन अचानक हुआ क्या कि हमारे गोविंद भैया जो हैं वो कोविड-19 का स्टेटस देख रहे हैं बार बार, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कोविड-19 के केसेस बहुत सारे बढ़ रहे हैं। और अभी कुछ खबरें भी मिल रही है कि शहर के अलग अलग शहरों के कई एरियाज़ में लॉकडाउन लग रहे हैं, तो उस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार कुछ बड़ा पंगा नहीं हो जाए, इसलिए थोड़ा सा इस यात्रा को यहीं पे विश्राम करते हैं। लेकिन विश्राम नहीं है, ये एक वीडियो तो बनेगा अभी, और हम लोग अभी जयपुर तक की यात्रा करेंगे यहाँ से। तो 307 किलोमीटर अभी जयपुर रह गया है, जोधपुर को हमने करीब 20-25 लगभग छोड़ दिया है हमने, और ये मेन हाईवे अभी पकड़ लिया है। तो बने रहिएगा वीडियो में, मज़ा आएगा। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ भी नहीं होगा, बहुत कुछ होगा और आगे बहुत कुछ बातें भी करनी है अपने को, है ना। फिर आगे की यात्रा कंटिन्यू रहेगी, तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पर, कहीं मत जाइएगा। तो अभी जयपुर निकलते हैं और फिर जयपुर से फिर आगे का अपन वापस जयपुर से कंटिन्यू करेंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या ये जो सिचुएशन है उसको थोड़ा संभालने की ज़रूरत है, तो इसलिए ज़रा ट्रेवल नहीं करते हैं और अपने घर में रहने की कोशिश करते हैं। अब रात को भी हम लोग है ना जो रिलेटिव के घर पे ही रुके, होटल वगैरह हमने ली नहीं वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क था। और जोधपुर तो एक तरीके से हॉटस्पॉट हो गया है कोरोना का, जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, कई ऐसे सिटीज है राजस्थान में जहाँ पर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, हमने जोधपुर एक्सप्लोर किया, मेहरानगढ़ फोर्ट वगैरह और कुछ जगह अंदर गए थे हम, थोड़ा घूमे फिरे थे। लेकिन यार यहाँ पे गर्मी जो है ना इतनी भयंकर है, इतनी भयंकर है, और उसका होना लाजमी भी है क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है, तो उस वजह से क्या है कि थोड़ा सा गर्म रहता है ये एरिया पूरा। तो चलिए निकलते हैं। चलो भैया क्या 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 कर रहे हो, मुंह को पूरे को पैक कर लो और हेलमेट वगैरह लगा लो ढंग से, एकदम पैक कर लो, क्यों बाइक थोड़ा स्पीड में चलती है, 80-100 चलती है, तो बहुत तेज विंड ब्लास्ट होता है सामने से, तो थोड़ा सा क्या है पैक रहेगा तो ठीक रहेगा। हैं बांध लो पूरा अच्छे से, ये बात। और अपन देखो कैसे लग रहे हैं हालत ख़राब हो गई यार। कल क्या हुआ, दिन में हम लोगों ने पानी नहीं पिया बिल्कुल भी और डिहाइड्रेशन के शिकार हुए। रात को तो ऐसा लग रहा था जैसे फीवर सा आने लगा, और फिर हमने डिसाइड किया कि यार अभी जयपुर ही निकलते हैं, पंगा नहीं लेते हैं। तो चले फिर आगे की यात्रा जारी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी कोविड की वजह से हम लोग वापस जा रहे हैं तो आगे की यात्रा नहीं करेंगे, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बने रहिएगा इस वीडियो में भी और चलते हैं जयपुर तक का सफ़र, आपको दिखा देंगे कैसा रहेगा। हाँ तो वो बाई तो आगो लो तो कर लो सी, तो दो मिनट का ही। चलो जी कोई बात नहीं, हम लोग मारवाड़ी में कुछ बातें करते रहते हैं तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आए। चलो मिलते हैं थोड़ा आगे जाके। बिलाड़ा पहुंच गए जी और अब ये ही जाएगा शायद जयपुर सीधे। पूछो भैया जी से पूछो। तो गाइस ये एक स्कूल है और ये एक खाट है, इस खाट के ऊपर बैठ के हमने अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, चाय वही मिली, तो निकले अभी, चलो चलते हैं। धूप तेज हो गई है धीरे धीरे और माहौल बदलता जा रहा है, अब ये माहौल ज़्यादा बदले उससे पहले हमको कवर करना है। 11-12 बजे तक राइड करते हैं, अभी 9:30-10 के लगभग का टाइम हो रहा है, 12 बजे तक राइड करते हैं, फिर थोड़ा सा एक लंबा ब्रेक लेंगे कहीं किसी पेड़ के नीचे जाके और ढंग से बैठ जाएंगे 1-2 घंटे के लिए, फिर थोड़ी धूप कम हो जाएगी फिर आगे बढ़ेंगे। ओके पुलिस थाना जेतारण, चलो जी। ट्रैक्टर वाले भैया आप जाइए पहले,
ट्रैक्टर में बाइक को पीछे लटका के आराम से मस्त। ये देखो क्या जुगाड़ है, ये फ्री में चल रहा है ट्रैक्टर। और यहाँ पे मैंने गौर की बात, महिलाएं बाइक पे दोनों तरफ पांव करके बैठती है अधिकतर, ये देखिए। दोस्तों राइट हैंड पे जाएगा पाली और लेफ्ट हैंड पे जाएगा ब्यावर। तो अपन लोग अगर माउंट आबू जाते तो इधर से निकलना पड़ता, लेकिन अभी रात को अचानक प्लान चेंज हो गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस जयपुर। और ब्यावर अभी काफ़ी दूर है, ब्यावर पकड़े और थोड़ा अभी पीछे नाश्ता वगैरह कुछ कर लिया था, चाय वाय पी ली थी, तो थोड़ा सा एनर्जी गेन हुई बॉडी को और थोड़ा सा ठीक फील हो रहा है। लेकिन यार कुछ तो गड़बड़ है यार बॉडी में, क्या पता क्या हो रहा है, कुछ अजीब सा फील हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो थोड़ा आगे जाके मिलते हैं और फिर बताता हूँ आपको। ब्यावर अब ज़्यादा दूर नहीं रहा है और ब्यावर के बारे में बहुत कुछ फेमस है। ब्यावर की जो तिलपट्टी है ना वो बड़ी फेमस है, और ब्यावर के लोग जो होते हैं ना वो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, कचौरी समोसा और नमकीन चीज़ों के बड़े शौकीन होते हैं लोग। ऐसा मेरा एक दोस्त है मिस्टर हर्ष, हर्ष भैया आ रहे हैं हम लोग ब्यावर, लेकिन आपसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि स्थिति परिस्थिति जो है अभी अनुकूल नहीं है, तो फिर कभी आएंगे तब आपसे मिलेंगे दोबारा। तो ओ माय गॉड क्या पहाड़ है, और ये हवा इतनी भयंकर चल रही है इसकी कोई हद नहीं है यार, बहुत ही तेज हवा चल रही है और बाइक ऐसे 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 होने लग जाती है कभी कभी किसी किसी टाइम पे। तो यार बहुत पंगा है यार। तो दोस्तों ब्यावर को हमने बाईपास कर दिया, इधर पीछे से लेफ्ट में ब्यावर है और इधर से आएगा क्या ब्यावर, 6 किलोमीटर दिखा रहा है। अच्छा इधर से भी कोई रास्ता है, तो अंदर सिटी में जाना हो तो इधर से जा सकते हैं, बाकी 6 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, कुछ शहर जैसा दिखाई भी दे रहा है मेरे को आगे। और यार ये विंड ब्लास्ट तो नहीं हो रहा ना ज़्यादा, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है आज यार, और डस्ट भी उड़ रही है, और ये क्या ज़बरदस्त पहाड़ काट के रास्ता बना रहा है इधर से। क्या बात है, ब्यावर इधर निशान लगा रखा है, मतलब अच्छा ये रोड जाता है ब्यावर के लिए। ओके ओके ओके, इधर से भी जा सकते हैं। दोस्तों हम लोग थोड़ा सा गलत रास्ते पे आ गए थे, हमको जाना था उधर, तो उधर से नीचे उतरना था, लेकिन हम लोग चढ़ गए पुलिया पे और अब राइट लेके थोड़ा सा रॉन्ग साइड चलना पड़ेगा, तो उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा आप लोगों से। और कुछ एक फ्रूट का ठेला लगा हुआ है, इससे कुछ खरीदना पड़ेगा मेरे को लगता है, क्योंकि एनर्जी है ना एकदम गर्त में चली गई है। ओ माय गॉड, मुंबई हैदराबाद अहमदाबाद कंडला पोर्ट माउंट आबू 307 जोधपुर 149 बाड़मेर, अच्छा 149 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं अभी तक, 321 रामदेवरा, वाह क्या बात है। भैया अंगूर कैसे दिए, अंगूर कुछ धोने का है क्या इनको, तो तू 50 रुपए के दे दे ऐसे कर, ज़्यादा नहीं खाएंगे, कहीं ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो फिर क्या होगा, जयपुर से कहीं दिल्ली चले जाएं हम लोग। थोड़े पक्के पक्के से रखना, मीठे मीठे। लेके चल चले या फिर आगे यहीं पे खा ले, ले चले क्या, थोड़ा पानी डाल देना यार इसमें ना। पाली में हादसा हो गया है, वो ट्रक गिर गया उसके ऊपर, कार के ऊपर है ना, कितने लोग मर गए उसमें, तो मैंने भी सुनी थी वो खबर, बड़ा ही विभत्स हादसा था, कंटेनर गिर गया एक कार के ऊपर। वैसे तो देना ही नहीं है,
पैसे की कमी नहीं है भाई अपने पास, है ना। चलो भैया धन्यवाद, ओके। एक कंटेनर से बच के रहेगा भाई। ये सुशील जी अभी आराम फरमा रहे हैं, ज्यादा थक गए, अंगूर खा के थक गए। झंडा लहरा रहा है अपने देश का, टोल प्लाजा, एक और टोल प्लाजा। ओह माय गॉड, करीब 100 किलोमीटर की दूरी और शेष रह गई है दोस्तों जयपुर पहुंचने में। दोस्तों फाइनली हम लोग जयपुर पहुंच चुके हैं। सुबह करीब 6 से 7 के बीच में हमने राइड स्टार्ट करी और अभी 3:30 लगभग बज रहे होंगे और हम लोग जयपुर में आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं। आज की राइड बड़ी ठीक ठाक रही, मतलब सुबह थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी यार, थोड़ा रोड भी ख़राब था और थोड़ा सा पीठ वीठ में दर्द हो रहा था, पता नहीं थोड़ा मन भी ऐसे ही कर रहा था, तो क्योंकि राइड अधूरी रह गई ना अभी, इस वजह से थोड़ा सा मेरे को बुरा लग रहा था। ओ माय गॉड भाई, तो थोड़ा बुरा तो लग रहा था लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये कोविड का जो चल रहा है ना लफड़ा वापस से स्टार्ट हो गया यार, तो इस वजह से मैं वापस आ गया। तो देखते हैं, बहुत जल्दी वापस जयपुर से स्टार्ट करेंगे और फिर माउंट आबू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ फोर्ट, ये वो बहुत सारी जगह अभी एक्सप्लोर करनी है, तो वो सब एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यार थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, दुख किस वजह से हो रहा है कि मेरा वो एक तो ड्रोन डैमेज हो गया और मेरे ग्लव्स खो गए। ग्लव्स शुरुआत में काट रहे थे, वो रॉयल इनफील्ड से मैंने लिए थे शुरुआत में जब बाइक के साथ में ही, तो वो कुछ दिन पहन रहा था तो एकदम वो काट रहे थे उंगलियों को, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो गए थे और अब बिल्कुल परफेक्ट हो गए थे। जब परफेक्ट हुए तो वो कहीं पे गिर गए, खैर मेरी गलती है, अब किसके ऊपर ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं, नए लेंगे अब, जब भी नेक्स्ट राइड स्टार्ट होगी तो नए लेके ग्लव्स और फिर पहन के चलेंगे। अभी तो मैं ये कपड़े के ग्लव्स से काम चलाया इस बार, तो चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। अभी 1/2 घंटा मेरे को और लगेगा घर पहुँचने में, तो घर पहुँच के अभी नहाना धोना है, खाना वाना खाना है, उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे और फिर कल संडे है तो कल पूरा दिन आराम ही करेंगे और वीडियो वगैरह एडिट कर लेंगे बैठ के, और फिर मंडे को थोड़ा काम रहेगा अपने पास ऑफिस में, तो वो काम ख़त्म करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बाय बाय।